Good morning students, welcome back. As we are doing third standard English ka chapter number 1, Pat and Spot. हम स्टोरी पढ़ रहे थे पैट जो कि एक बॉय है जिसको अपने बर्थडे पे एक पप एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सॉफ्ट सा पपी गिफ्ट में मिला. उसके साथ वो खेलता था, एक साथ वो सोते थे. बट उसकी ग्रैंड मदर नानी माँ शी वॉज नॉट वेल, ठीक नहीं थी. उनको देखने के लिए उसकी मदर मिसेस ब्राउन और पैट दोनों कहाँ चले गए, पास के ही टाउन में जहाँ उनकी नानी माँ रहती थी उनसे मिलने चले गए. क्लियर? अब पीछे से जो पैट था वो अकेला रह गया, बहुत उदास था. लेट्स सी नेक्स्ट पेज नंबर, आप देखिए 10. कल हमने पेज नंबर 9 किया था, पेज नंबर 10 पे क्या होता है, पिक्चर भी दिया है क्या क्या किया पप ने. लेट्स सी. मिस्टर ब्राउन लॉक्ड अप स्पॉट इन द हाउस. मिस्टर ब्राउन को तो शॉप पे जाना था, उन्होंने क्या किया, उस स्पॉट को उस डॉगी को पप्पी को घर में लॉक कर दिया. एंड वेंट टू हिज शॉप, और अपनी शॉप पर चले गए. स्पॉट वॉज बोर्ड, वो तो बोर हो रहा था, अकेला मन नहीं लग रहा था उसका. ही वॉज नॉट यूज टू बींग अलोन, वो पहले कभी अकेला रहा ही नहीं, उसे आदत नहीं थी रहने की. ही फर्स्ट च्यूड ऑल कारपेट, ही फर्स्ट च्यूड द कारपेट. कारपेट होता है ना बेटे, जो कमरे में बिछा होता है नीचे कालीन जिसको बोलते हैं, उसने उसे च्यू करना, च्यू समझते हैं बेटे, च्यूइंगम से आया है ये वर्ड. च्यूइंग मीन्स चबाना, उसको बार बार च्यू करना शुरू कर दिया, मतलब उसे काटना शुरू कर दिया. एंड देन ही अटैक द क्लोथ बास्केट, उसके बाद उसने किस पे अटैक किया, वो जो कपड़ों से भरी हुई बास्केट थी, क्लोथ बास्केट थी, उस पर अटैक किया, मतलब उस पर टूट पड़ा. एंड स्कैटर्ड ऑल द क्लोथ्स, सारे कपड़े उसने बिखरा दिए, स्कैटर कर दिए. राइट? तो मतलब उसने घर में सारी शैतानी मचानी शुरू कर दी, बिखराना शुरू कर दिया घर को. ही देन रेसल्ड विद देम वन बाय वन. अच्छा, रेसलिंग समझते हो, रेसलिंग इस तरह से बॉक्सिंग करते, रेसलिंग करते लड़ाई, मतलब वो कपड़ों के साथ रेसलिंग उसने स्टार्ट कर दी, रेसल करना स्टार्ट कर दिया एक एक करके. और ही च्यूड अप मिस्टर ब्राउन्स स्लीपर्स, यहाँ तक कि मिस्टर ब्राउन के जो स्लीपर थे पैट के फादर के जो स्लीपर्स थे, फुटवेयर्स थे, उसको भी उसने चुई करना, चबाना शुरू कर दिया, च्यू करना शुरू कर दिया. देन ही पिक्ड अप द डोर मैट, उसने डोर पे जो मैट रखते हैं हम, उसने वो उठाया. शुक इट लाइक अ रैट, शुक मतलब शेक, शेक की सेकेंड फॉर्म है, उसको रैट की तरह बिल्कुल यूं शेक करना शुरू कर दिया. When Mr. Brown came home for lunch, अब दोपहर में लंच के लिए जब मिस्टर ब्राउन घर पर आते हैं, वो क्या देखते हैं, He was shocked to see the house. Shocked हो गए, एकदम हैरान हो गए घर को देख कर कि ये क्या हो गया. क्यों? It looked as if it had been hit by a storm. Storm बोलते हैं बेटे तूफान को, आंधी तूफान आया हो. उन्हें ऐसे लगा जैसे घर में कोई आंधी तूफान आया था, क्योंकि घर इतना बिखरा पड़ा था. Missing your friend, उन्होंने स्पॉट से कहा, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? Are not you? Aren't you? क्या नहीं कर रहे, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, कर रहे हो ना? तो ही सो ऑफ वेंट स्पॉट टू द शॉप विद मिस्टर ब्राउन. अब मिस्टर ब्राउन ने क्या किया, उस पप को अपने साथ वो शॉप पर ले गए. ये मैडम, ठीक है बच्चे, अब जब वो शॉप पर ले गए तो अब उसने शॉप पर क्या किया, लेट्स हैव, ये देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तो आप अच्छे से इस पैराग्राफ को पढ़िए, इसके वर्ड मीनिंग लिखिए, लर्न कीजिए, और आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.